नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं विपनेश माथुर। हमारी खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीका वायरस की। जीका वायरस, जिसके नाम से ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है, उसने राजस्थान में भी दस्तक दे दी है। राजस्थान में 30 जीका वायरस पॉजिटिव लोग मिलने से हड़कंप मचा हुआ है, हर कोई डरा हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार और चिकित्सा महकमे की नींद उड़ गई है। केंद्र से 3 टीमें जयपुर आई हैं और एक टीम आज पहुंचेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपने स्तर पर भी टीमों का गठन किया है। सभी इसकी रोकथाम के प्रयास में लगे हुए हैं। जयपुर में जीका वायरस अब चिकित्सा महकमे की गले की फांस बनता जा रहा है। लगातार जीका वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। उधर मामले को लेकर अब केंद्र से एक टीम जयपुर आ रही है, जो जीका वायरस को लेकर अध्ययन करेगी। आपको बता दें कि जयपुर में देश के सबसे ज्यादा 29 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं अभी और मामले भी सामने आ सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग में केंद्र की 2 टीमें पहले ही काम कर रही हैं, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए आज एक और टीम जयपुर आ रही है। तो दिल्ली से आएगी एक और टीम। 3 टीमें पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। जीका बना है जीका जंजाल। आपको बता दें कि लोग काफी डरे और सहमे हुए हैं। जिस तरह से केस की संख्या बढ़ी है, चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली से एक और टीम आज जयपुर पहुंच रही है। रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि जीका पर जल्द ही रोक लगाई जाए। खुद चिकित्सा मंत्री जो है इस पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, तमाम टीमें लगा दी गई हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए कि इस जीका वायरस से कैसे बचा जा सकता है। अगर अस्पतालों की बात करें तो वहां से अलग से वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें मात्र जो जीका वायरस से प्रताड़ित हैं उन्हीं मरीजों को वहां पर एडमिट किया जा रहा है और डॉक्टर की एक खास टीम जो है इस पर नजर लगातार बनाए हुए है। तो दिल्ली से एक और टीम जयपुर पहुंच रही है। तस्वीरें आप देखिए, चिकित्सा मंत्री खुद इस अभियान में लगे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और वहीं राजधानी जयपुर में जीका वायरस के 29 मामले सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। केंद्र से आई टीम के मॉनिटरिंग के अनुसार काम किया जा रहा है। वहीं चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने जीका वायरस से लोगों को जागरूक करने के लिए शास्त्री नगर का दौरा किया और इस दौरान घर घर जाकर जीका वायरस मामले में खुलकर सामने आने की बात कही। चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ ने बताया, प्रदेश का चिकित्सा विभाग केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहा है, साथ ही महिला बाल विकास, नगर निगम, आशा वर्कर्स भी सभी मिलकर इसकी रोकथाम के लिए जागरूक करने में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा केस शास्त्री नगर के सामने आए हैं। ऐसे में कांवटिया अस्पताल में 6 बेड का एक अलग से वार्ड बनाया गया है, जिसमें जीका वायरस के मरीजों को ही रखा जा रहा है। जीका वायरस हमारे प्रदेश में 29 पॉजिटिव पाए गए हैं। सरकार का स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग इसके लिए जबरदस्त गंभीरता से काम कर रहा है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम यहाँ पर आई हुई है और उसकी गाइडलाइन पर प्रदेश का चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग इसमें काम कर रहा है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेज और CMHOs को विभाग की ओर से निर्देश जारी किए जा चुके हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भेजे गए केंद्रीय दल के साथ रोकथाम के लिए आवश्यक गतिविधियों में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ को आप सुन रहे थे, बता रहे थे किस तरह से प्रदेश में जीका वायरस की रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से जो टीम आई है उसकी गाइडलाइंस पर लगातार काम हो रहा है। जयपुर में सबसे ज्यादा ये मामले सामने निकल कर आए हैं, इससे ज्यादा चिंता बढ़ गई है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा भी काफी अलर्ट पर चल रहा है और जल्द से जल्द जीका वायरस पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग इस डर से बाहर आ सकें।
और जयपुर में जीका वायरस पाए जाने के बाद अब प्रदेश के भरतपुर जिले में जीका वायरस से हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ के सेवत थाना के एक गांव में बुजुर्ग में जीका वायरस पाया गया है, जिसके बाद प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राजस्थान के प्रत्येक जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट पर है और जीका वायरस को लेकर आज भरतपुर के जिला कलेक्टर संदेश नायक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गोपाल राम शर्मा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जीका वायरस को लेकर लोगों में तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं और इसके बारे में प्रमुख रूप से जानकारी देते हुए चिकित्सा अधिकारी गोपाल राम शर्मा ने यह भी बताया कि जिस बुजुर्ग में जीका वायरस पाया गया था वो फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ है, ठीक है। जीका वायरस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम झारोली पहुंची और गांव में जांच शिविर भी लगाया गया। इसके साथ ही गांव में 9 गर्भवती महिलाएं पाई गई जिनके सैंपल लेकर जयपुर भेज दिए गए हैं। पूरे गांव से अभी तक 29 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। साथ ही गांव वालों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। और आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि आखिर ये जीका वायरस है क्या। तो ये वायरस डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की ही तरह मच्छरों से फैलता है। ये एक खास तरह के मच्छर के काटने से जीका वायरस फैलता है। एक प्रकार का एडीज मच्छर है ये, जो दिन में सक्रिय रहते हैं। साथ ही असुरक्षित शारीरिक संबंध और संक्रमित खून से भी जीका वायरस फैलता है। ये वायरस डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की तरह ही एक मच्छर है। अगर वो आपको काट लेता है और दिन में ये सक्रिय रहता है तो जीका वायरस फैल जाता है, इसके आप चपेट में आ जाते हैं। एडीज मच्छर ही है ये एक प्रकार का, जो दिन में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। और जानते हैं आखिर जीका वायरस के लक्षण हैं क्या। तो इसके आम लक्षण डेंगू बुखार की ही तरह होते हैं, जैसे थकान, बुखार, लाल आंखें, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द और शरीर पर लाल चकते। और जीका वायरस से कैसे बचा जा सकता है ये हम आपको बता रहे हैं। तो जाली वाले दरवाजे आप हमेशा बंद रखें, ये एक पहला उपाय है। और रात में मच्छरदानी का इस्तेमाल आप जरूर करें, खुले में इस तरीके से ना सोएं। अगर कोई क्रीम आप लगा सकते हैं वो भी आप लगाकर सो सकते हैं। घर में कहीं भी पानी को ठहरने बिल्कुल ना दें, जमा बिल्कुल भी ना होने दें। आसपास की साफ सफाई विशेष तौर पर इसका ध्यान आप रखें। तो घर में साथ ही मच्छरों को बिल्कुल ना पनपने दें। और इधर हाल ही में जीका को लेकर जयपुर स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर लोगों को अब तक के प्रयासों की जानकारी दी गई है। साथ ही लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई थी। एक तो ये कि हम सबसे पहले जो हमारा अफेक्टेड एरिया है उसको हम कैसे सैचुरेट करें, उसमें कैसे अपना पूरा रिसोर्स हम उसमें लगा दें ताकि ये जो इसके पॉजिटिव केसेस आए ये वहीं के वहीं रुक जाए और उसका फैलाव नहीं। और राजस्थान में जीका वायरस के इतने मरीज मिलने पर लोग डरे सहमे हैं। वहीं चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार जो हैं काबू करने में लगी हुई हैं हालात को। वहीं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी संजीव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, अभी जीका के कितने केस सामने आए हैं? देखिए, जीका का जो प्रथम केस था एक वृद्ध महिला थी, शास्त्री नगर इलाका है जयपुर डिस्ट्रिक्ट में, 85 वर्ष की महिला थी, उनमें ये पाया गया। उस समय से लेके अब तक 29 पॉजिटिव केस जीका के पाए गए हैं और मैं कहूँगा कि ये लोकलाइज्ड है, क्योंकि प्रायः जितने केस थे वो शास्त्री के आसपास के इलाके से ही पाए गए हैं और केवल एक ऐसा केस पाया गया है जो कि सिवान डिस्ट्रिक्ट का है, लेकिन जयपुर से उनकी ट्रैवल हिस्ट्री रही है। तो कुल मिला के 29 केस पाए गए जी। संजीव जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे यह है कि किन किन राज्यों में आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्या कदम उठाए गए हैं? जहां तक राजस्थान का सवाल है, वहां हमारे विद्यालय की एक टीम आरंभ में पहुंच गई थी और उसके बाद हम लोगों ने उस टीम को और सशक्त किया। अभी वहां 7 लोगों की एक टीम
निरंतर नज़र रखे हुए हैं और इसमें एनसीडीसी के लोग हैं, आईसीएमआर के लोग हैं, इंटरमोलॉजिस्ट हैं, आरएमएल हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इन लोगों ने वहाँ एक व्यापक सर्विलेंस का कार्यक्रम राज्य प्रशासन के सहयोग से चलाया हुआ है। करीब 200 के आसपास टीमों का गठन किया गया है। इसमें मुख्य मुद्दा यह है हमारा वेक्टर कंट्रोल, तो इसको दृष्टि में रखते हुए करीब 200 से अधिक टीमें बनाई गई हैं जो कि हर घर जाके जो 3 किलोमीटर के दायरे में जितने घर हैं उनका सर्विलेंस कर रहे हैं, कहीं पानी का जमाव तो नहीं हो रहा ये देख रहे हैं, वहाँ छिड़काव करा रहे हैं और व्यापक पैमाने पर लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश। बिल्कुल संजीव जी, आगे मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सभी राज्यों क्या आपने एडवाइजरी जारी किया या फिर अभी भी कुछ राज्य बाकी हैं? नहीं, सभी राज्यों को एडवाइजरी सभी राज्यों को इशू किया हुआ है। एक हमारा एक्शन प्लान बना हुआ है जीका को कैसे उसका मुकाबला करें, उसके लिए वो एक्शन प्लान हम लोगों ने रीट्रेट किया है, फिर से उनको हर राज्य सरकार के साथ शेयर किया गया। तो आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव कुमार जी, आपने बातचीत की और तमाम जानकारी दी किस तरीके से जीका वायरस पर कंट्रोल पाया जा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।